नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। राम की पैड़ी पर 5000 योग साधकों ने साथ किया योगाभ्यास। मुख्य अतिथि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव रहे हुए शामिल। जनपद अयोध्या के अयोध्या राम नगरी के जनप्रतिनिधियों और जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने योग साधकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया योग। मई पर अयोध्या पहुँचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, रामनगरी में योग का आयोजन और मेरा शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात। लोगों का उत्साह इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में जागरण का हुआ है काम। पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति लोग सतर्क हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। योग के माध्यम से स्वस्थ समाज का निर्माण करने की अभूतपूर्व पहल। बताते चले कि अयोध्या के राम की पैड़ी पर 3 दिन पूर्व से योगाभ्यास के लिए व्यवस्थाएं की जा रही थी। जगह जगह पर साफ सफाई और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पूरे ग्राउंड में दरी गलीचे बिछा कर योगासन तैयार किए गए। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।